प्रदेश में सरकार गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लाख दावे करती हो, लेकिन बावजूद इसके आए दिन स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ताज़ा मामला बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का है, जहां जेठिया राजकीय अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पोते को पीठ पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह बुजुर्ग मजबूरन पोते को पीठ पर लादे है। तो देखा आपने सरकार के दावों की पोल खोलती तस्वीर को। इस बारे में जब परिजनों से पूछा गया तो उनका कहना है कि पहले तो स्ट्रेचर नहीं मिला और फिर घंटों बैठने के बाद भी कोई डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया। स्ट्रेचर नहीं मिली इसकी। आपको स्ट्रेचर नहीं मिली ना। और क्या क्या आपको यहाँ परेशानी सब दे आ रही है? अभी तो कुछ ना मिल रहा इसके लिए, कोई सुविधाएं नहीं है लाने के लिए। स्ट्रेचर नहीं मिला, नहीं मिला। दो घंटे से तो यहाँ पर हैं, कोई इलाज का ही वही नहीं है। पता 10 बजे कोई ड्यूटी टाइम है ना, को दो घंटे से बैठा है, तो कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, आम है ही नहीं। अच्छा, फिर अब कंधे पे लाए हैं, दो घंटा से बैठा है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। वहीं इस मामले के बारे में सीएमओ साहब से बात की गई तो उनका कहना है कि अस्पताल में तो सारी सुविधाएं मौजूद हैं, शायद उन्होंने जिससे पूछा होगा उसे जानकारी नहीं होगी। पर्याप्त मात्रा में है और जटिया अस्पताल का किस्सा है, मैंने सीएमओ साहब से पूछा तो वो कह रहे थे वो इमरजेंसी में नहीं गए, वहाँ व्हीलचेयर और वो दोनों उपलब्ध है, वो तो अपने प्रेम में ही बेटे को उठाए हुए वहाँ पहुँच गए ओपीडी में। ऐसा नहीं, चीज़ें हैं वहाँ पे, नहीं नहीं डॉक्टर तो होंगे वहीं और सीएमओ साहब तो स्वयं वहाँ पे हैं और व्हीलचेयर और इसकी भी है व्यवस्था, हो सकता है उन्होंने जिससे पूछा उसे न पता हो। तो हमने निर्देश दे दिए हैं कि भाई 2-3 जगह इसकी व्यवस्था करें, स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की, ओपीडी में भी करें और इमरजेंसी के गेट पे भी करें, जिससे इस तरह की चीज ना हो। वहीं स्वास्थ्य सेवा की लचर व्यवस्था सिर्फ एक शहर की नहीं है, बलरामपुर से भी दो मामले सामने आए जो स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत बयां करते हैं। दरअसल जिला अस्पताल में धर्मपुर गांव की एक महिला को प्रसव के लिए लाया गया था। काफी देर तक महिला दर्द से तड़पती रही, लेकिन किसी भी स्टाफ ने महिला को नहीं देखा। आलम यह था कि महिला ने दर्द से तड़पकर जमीन पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान वहां कई मरीजों के तीमारदार आते जाते रहे और देखते रहे, लेकिन कोई स्टाफ नहीं पहुंचा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह प्रसव के बाद मरीज को तीमारदार उस जगह को भी साफ कर रहे हैं जहां प्रसव कराया गया था। ये सितम यही नहीं रुका, जब प्रसव के बाद दूसरी महिला स्टाफ को बुलाने गई तो करीब 15 मिनट बाद डॉक्टर मरीज को देखने पहुंचे और तब महिला को भर्ती करवाया। उसी समय इसके दर्द आया और बच्चा पैदा हो गया, हम लोग खड़े थे नहीं देख पाए, तो उसके सहायता के लिए लग गए। यहाँ पे कोई नर्स या डॉक्टर देखने के लिए नहीं आए? देर में आई। आप बुलाने गए थे, समय कितना कम से कम लग गया होगा आने में? 10 मिनट। तो कौन, एक लोग आए हैं कि कितने, कई लोग? एक लोग, एक लड़की। मतलब आप लोग सहायता की यहाँ? इस मामले पर स्वास्थ्य अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि जो हुआ वो गलत है, मामले की जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी पे जो प्रसव हुआ उसको इस संबंध में अभी आपने वीडियो दिखाया है, वो बड़ा है तो दुखती है। इस संबंध में अभी सीमो साहब से बात करूँगा कि हमारा कैंपस गेट पे हुआ है, होने के बाद में कौन ड्यूटी भी था उसको आगे देखना चाहिए। वहाँ पे सारे परिवार के लोग उसको डिलीवरी करा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ये बहुत ही चाहिए। ये तस्वीरें तुलसीपुर गांव की हैं, जहां एम्बुलेंस न मिलने पर गरीब व्यक्ति ने बच्चे और अपनी पत्नी की जान जोखिम में डालकर उन्हें बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। इस बीच महिला दर्द से तड़पकर 10 किलोमीटर का सफर तय कर अस्पताल पहुंची। इस बारे में अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुरा कर सारा दोष तीमारदार पर ही मढ़ दिया। उनका कहना है कि प्रदेश में पर्याप्त एम्बुलेंस की सुविधाएं हैं, शायद उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं होगी। तुलसीपुर की ना, तुलसीपुर जा तो रहा हूँ। क्या होगा, 108-102 मिनट क्या, कोई भी दोनों मिनट 24 घंटे सेवा के लिए, और विद इन 10-15 मिनट टाइम भी कम कर लिया गया है। हमारे तो जनता में जागरूकता नहीं है कि या उन्होंने, हो सकता है उन्होंने कॉल किया हो, एम्बुलेंस वाला नहीं आया हो, लेकिन जो भी हुआ है गलत है और माननीय मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं उसके हिसाब से ठीक है। इस संबंध में भी अब ये तस्वीरें देखकर तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश में कितनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था है।
जहां मरीजों को छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी जिंदगी मौत से जूझना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी और बलरामपुर से सलीम सिद्दीकी की रिपोर्ट।